हेलो हेलो हेलो, व्हाट इज़ अप पीपल, दिस इज़ फ्यूचर मोबिलिटी। माय नेम इज श्रेयस और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं महिंद्रा XUV 400 के बारे में। तो अगर आप एक टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमोटिव एंथुजियास्ट हो लाइक मी, यू शुड डेफिनेटली कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल एंड ऑल्सो हिट दैट बेल आइकॉन सो यू गेट नोटिफाइड एवरी टाइम आई पोस्ट अ न्यू वीडियो। सो दिस इज योर वन स्टॉप शॉप फॉर ऑल थिंग्स ईवी। मैंने इस महीने में यानी सितंबर 2022 के पहले हाफ में एक भी वीडियो अपलोड नहीं किया है बिकॉज आई हैड अंडरगॉन अ सर्जरी और मुझे रिकवर होने में थोड़ा वक्त लग गया। लेकिन अब आपको इस चैनल पर हमेशा की तरह मिनिमम 2 वीडियोस पर वीक देखने को मिल जाएंगे। अल्सो महिंद्रा XUV 400 को लॉन्च होकर ऑलमोस्ट 10-12 दिन हो चुके हैं और मैं थोड़ा लेट अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन आपको ईवी मार्केट में चल रहे सारी घटनाओं की अपडेट देना मेरा काम है, तो वीडियो तो मैं बनाऊँगा ही। और अगर आप कई महीनों बाद ये वीडियो देख रहे हो तो आपके लिए ये इरिलेवेंट है और इसे इग्नोर करके आप ये वीडियो एंजॉय कीजिए। तो बिना आपका वक्त बर्बाद किए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब वैसे तो मैंने ऑलमोस्ट 2 साल से मेरे चैनल पर कई वीडियोस में कहा था कि टाटा इस वक्त जो ईवी मार्केट में डोमिनेंस बना पा रहे हैं उसका मेन रीज़न यही था कि उनकी सबसे ज़्यादा बिकने वाली ईवी जो एक्चुअली इंडिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली ईवी है यानी टाटा निक्सॉन ईवी, उसके कॉम्पिटिशन में और कोई गाड़ी थी ही नहीं। और मैंने ये भी कहा था कि निक्सॉन ईवी के कॉम्पिटिशन में जब तक दूसरे ब्रांड्स कोई ईवी नहीं उतारेंगे तब तक ये डोमिनेशन ऐसे ही चलता रहेगा। एंड गेस व्हाट, 2 साल बाद आज भी टाटा निक्सॉन ईवी इंडिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली ईवी है। लेकिन अब हमें फाइनली महिंद्रा की तरफ से एक अच्छी और तगड़ी ईवी ऑफरिंग मिल रही है जो एक्चुअली में टाटा के बढ़ते हुए सेल्स नंबर्स में छेद कर सकती है। आई डोंट नो इफ दिस इज द राइट टर्म टू यूज बट यू गेट द पॉइंट। तो वैसे मैंने मेरे व्यूअर्स को XUV 400 के अनवेल से कुछ हफ्ते पहले ही इस गाड़ी के लॉन्च के रिगार्डिंग न्यूज दी थी, विच वॉज पार्ट ऑफ माई फ्यूमो ईवी न्यूज सीरीज। और जैसा मैंने उस वीडियो में बताया था, उसी दिन यानी 8th ऑफ सितंबर को ये गाड़ी इंडिया में अनवेल कर दी गई थी। तो महिंद्रा XUV 400 के ओवरऑल डायमेंशंस की बात करें तो देखने में ये काफ़ी हद तक XUV 300 की तरह लगती है, लेकिन ये एक्चुअली XUV 300 से थोड़ी बड़ी है क्योंकि XUV 300 एक sub-4 meter कॉम्पैक्ट XUV है यानी उसकी लेंथ 4 meter से कम है, इट्स 3995 mm टू बी एग्जैक्ट। और XUV 400 की लेंथ 4200 mm की है, तो इसकी लेंथ नॉर्मल IC वर्जन या फिर XUV 300 से ज़्यादा है और इस वजह से इसमें अंदर ज़्यादा स्पेस मिल जाती है और इसका बूट स्पेस भी कंपैरेटिवली बहुत बड़ा है। इसके अलावा लुक्स की बात करें तो XUV 400 में आगे की तरफ ग्रिल देखने को नहीं मिलता क्योंकि यह एक ईवी है और इसमें हमें एरो की शेप में दिए गए कॉपर कलर डिज़ाइन एलिमेंट्स देखने को मिल जाते हैं। इसके पीछे का रीज़न आप सबने गेस कर ही लिया होगा और आप उसे नीचे कमेंट्स में लिख सकते हो जिससे बाकी लोगों को समझ आने में आसानी होगी। अल्सो इस गाड़ी में हमें फॉग लैम्प्स जो XUV 300 में हेडलाइट के नीचे दिए जाते हैं वो देखने को नहीं मिलते। इसके LED DRLs थोड़े अलग हैं और इसमें भी कॉपर एक्सेंट्स का इस्तेमाल किया गया है। XUV 400 में महिंद्रा का नया ट्विन पिक्स का लोगो दिया गया है जो अगेन कॉपर कलर में दिया गया है। इस गाड़ी में ड्यूअल टोन कलर स्कीम को यूज़ किया गया है एंड गेस व्हाट, इस गाड़ी के रूफ में भी कॉपर कलर देखने को मिल जाता है। XUV 400 के लेफ्ट साइड में फ्रंट डोर और बोनेट के बीच में इसका चार्जिंग पोर्ट दिया गया है और इसमें 16 इंच के व्हील्स देखने को मिल जाते हैं। और इसके डोर्स में भी नीचे की तरफ जो क्लैडिंग्स दिए गए हैं जिसमें अगेन कॉपर कलर का इस्तेमाल किया गया है। मुझे पर्सनली ये कॉपर एक्सेंट्स का यूज़ थोड़ा ओवरडन लगा, बाकी ये चीज़ कम्प्लीटली सब्जेक्टिव है। और आपके महिंद्रा के इस डिज़ाइन चॉइस के बारे में क्या ओपिनियंस है वो आप मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हैं। तो लुक्स के मामले में ये XUV 300 से काफ़ी अलग है और आप इसे XUV 300 के साथ कन्फ्यूज नहीं करेंगे, इट्स वेरी इजी। XUV 300 में कहीं पर भी कॉपर नहीं है और XUV 400 में कॉपर के अलावा कुछ नहीं है। ओके, आई हैड टू डू दैट वन। एनीवे, तो अब हम चलते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर में।
और ये मुझे पर्सनली थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लगा, क्योंकि XUV 400 का इंटीरियर हमेशा से ही काफ़ी आउटडेटेड लगता था और XUV 400 में भी सिमिलर सेटअप देखने को मिलने वाला है। हो सकता है कि महिंद्रा इसमें OTA अपडेट्स के द्वारा कुछ अच्छे फीचर्स दे सकते हैं, तो इस बारे में मैं इस वक्त कोई कमेंट्स नहीं करूंगा। बाकी इसमें अगर कुछ अलग है तो वो है इस गाड़ी का ड्राइव सिलेक्टर, जो देखने में काफ़ी प्रीमियम लगता है, और इस गाड़ी में ऑल ब्लैक इंटीरियर दिया गया है, विच लुक्स वेरी प्लश एंड हेल्प्स इट स्टैंड आउट फ्रॉम द ICE काउंटरपार्ट। इसके डैशबोर्ड में दिए गए नॉर्म्स में भी हमें कॉपर कलर के टचेस देखने को मिल जाते हैं, एंड देर इज अ सनरूफ इन दिस EV। ओवरऑल इसका इंटीरियर मुझे ठीक लगा। जिस तरह के फीचर्स हमें इसके कॉम्पिटिशन में देखने को मिल जाते हैं, उसके मुकाबले ये मुझे थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लगा। तो अब हम बात करते हैं इस गाड़ी के परफॉर्मेंस, बैटरी, रेंज और बाकी कुछ एस्पेक्ट्स के बारे में। तो XUV 400 में हमें एक फ्रंट एक्सल माउंटेड परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर या फिर PMSM सिंगल मोटर सेटअप देखने को मिल जाता है, जो 150 हॉर्स पावर और 310 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क जनरेट करता है। इस गाड़ी में 155 किलोमीटर का टॉप स्पीड दिया गया है, जो बाकी EVs की तरह इलेक्ट्रॉनिकली लिमिट किया गया है, और इसे 0 टू 100 kmph का स्प्रिंट कंप्लीट करने में 8.3 सेकंड्स लगते हैं, विच इज वेरी इंप्रेसिव फॉर व्हीकल कमिंग इन दिस प्राइस सेगमेंट। इसमें तीन ड्राइविंग मोड्स दिए गए हैं, जिनके नाम है फन, फास्ट एंड फियरलेस। ओ माई गॉड। और ये मोड्स अलग अलग ड्राइविंग स्टाइल्स, पावर डिलीवरी और हैंडलिंग के मिक्सचर को ऑफर करते हैं। अगर बैटरी की बात करें तो XUV 400 में 39.4 किलोवाट आवर की बैटरी दी गई है, जो IP67 रेटिंग के साथ आती है। तो इसमें वाटर और डस्ट रेजिस्टेंस का ख्याल रखा गया है, और ये बैटरी पैक इस गाड़ी में ARAI सर्टिफाइड 456 किलोमीटर्स की क्लेम्ड रेंज ऑफर करता है। ये आंकड़ा काफ़ी इंप्रेसिव है, और इस नंबर के साथ XUV 400 अब ऑफिशियली टाटा नेक्सॉन EV के साथ कम्पीट करने के लिए तैयार हो चुके हैं। अगर चार्जिंग स्पीड्स की बात करें तो XUV 400 में 50 किलोवाट के DC फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया हुआ है, जो इसे 0 to 80% सिर्फ 50 मिनट्स में चार्ज कर देता है, और इंडियन हाउसेस में मौजूद 3.3 किलोवाट के सॉकेट से इसे 0 to 100% चार्ज करने में लगभग 13 घंटे लग जाएंगे। दीज आर गुड नंबर्स, और इस प्राइस रेंज में इस तरह के फीचर्स मिलना काफ़ी अच्छी बात है। बाकी इस गाड़ी की प्राइस क्या होने वाली है, ये तो हमें जनवरी में ही पता चलेगा, जब इस गाड़ी का ऑफिशियल लॉन्च होगा, और उसी महीने के लास्ट वीक में महिंद्रा इस गाड़ी की डिलीवरीज देना शुरू कर देंगे। बाकी महिंद्रा XUV 400 आपको कैसी लगी, और क्या आप इसे टाटा नेक्सॉन EV का प्रॉपर कॉम्पिटिटर मानते हो, मुझे आपके ओपिनियन नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ये वाला वीडियो अगर आपको अच्छा और थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो, देन प्लीज़ ड्रॉप अ लाइक, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। अगर मेरे ओवरऑल कंटेंट को लेकर आपके मन में कोई भी सजेशंस या सुझाव या रिमार्क्स है, तो यू कैन जस्ट राइट देम डाउन इन द कमेंट्स बिलो। और अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल एंड ऑल्सो हिट दैट बेल आइकॉन, सो यू विल गेट नोटिफाइड एवरी टाइम आई पोस्ट अ न्यू वीडियो। तो हमेशा की तरह अब आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, और मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीक एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए stay charged.